देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने इसकी चार्जिंग ठीक की है। इसमें डायोड लगा के अभी ये बिल्कुल से ऑन हो गया है पूरी तरह से। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट से सीखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए दोस्तों, आप सभी का हमारे आरपीपी ग्रुप टेक चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लेके आए हैं जियो की चार्जिंग जो है अप डाउन हो रही है, बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज जो फिक्स नहीं आ रहे हैं, वो आईसी से प्रॉब्लम है या चार्जिंग जैक से, किस तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें टोटल प्रैक्टिकली फिक्स करके दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि हमारी चार्जिंग जो कैसे ठीक करनी है, ठीक है ना। ये जियो का फ़ोन है, दोस्तों इस हमारे जियो के फ़ोन में कुछ चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये बैटरी को मतलब चार्ज नहीं कर रहा था। ये इसका जियो का फ़ोन है, इसका मॉडल है F41T। तो ये बैटरी को काफ़ी टाइम लगाने के बाद भी ये बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा था। हम इसमें देखना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। इसके जैक को देख लेते हैं पहले, हम इसे सबसे पहले इसकी वोल्टेज चेक करेंगे जैक की लाइन पर जहाँ से वोल्टेज देता है। देखिए जैक बिल्कुल प्रॉपर तरह से ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें वोल्टेज अच्छी तरह से आ रहे हैं, 4.9 दे रहा है, ये बैटरी के लिए ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं बैटरी कनेक्टर पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ये बैटरी कनेक्टर पे प्रॉपर वोल्टेज नहीं दे रहा है, ये कम ज़्यादा हो रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं वोल्टेज इसमें, ये अप डाउन हो रहे हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम है, ये चार्जिंग आईसी की प्रॉब्लम है या चार्जिंग जैक की प्रॉब्लम है, ये बताओ। ये चार्जिंग आईसी की प्रॉब्लम है या जैक की प्रॉब्लम है, ये हमको क्लियर करना है। सबसे पहले ये जैक को हमने चेक कर लिया, ठीक है, ये जैक बिल्कुल ठीक है क्योंकि इस पर वोल्टेज कम ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, अप डाउन नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा चार्जिंग जैक जो है बिल्कुल ओके है, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके है। अब इससे देखते हैं हमको कैसे पता चलेगा इसकी चार्जिंग आईसी कौन सी है। ये बताइए इसमें जो चार्जिंग आईसी हम कैसे बिल्कुल फिक्स करें एक बार में, क्योंकि हमारी चार्जिंग आईसी यही है या और कोई है। जो जहाँ इसके वोल्टेज आते हैं चार्जर के, सबसे ज़्यादा 5 वोल्टेज होते हैं, 4 वोल्टेज होते हैं, यहाँ से हमने ये देख लिया 4.9। तो ये वोल्टेज पूरे मदरबोर्ड में सबसे पहले चार्जिंग आईसी पे ही जाएंगे या उसके आसपास आने वाले कंपोनेंट होते हैं उन पर आएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, जो हमारा चार्जर वोल्टेज आउट करता है वही वोल्टेज हमारा सीधा चार्जिंग आईसी पर ही जाएगा, ठीक है। इसमें आईसी के चारों तरफ पिन है, 8 पिन है इसमें, ये 8 पिन सारी पिनों पर वोल्टेज चेक करने हैं, चार्जिंग आईसी हमारी यही है या और कोई है, ठीक है ना। इस पर पूरा जो वोल्टेज हमारा आ रहा था चार्जिंग जैक से, वही वोल्टेज चार्जिंग आईसी पे मिलना चाहिए, इसमें चेक करें। दोस्तों ये चार्जिंग आईसी इसकी कंफर्म हो चुका है क्योंकि इस पर वोल्टेज आ रहे हैं, दिखाओ इसमें वोल्टेज कितने आ रहे हैं। ये आ रहे हैं नीचे से दूसरी पिन, देखिए ये जो हमारे वोल्टेज आ रहे हैं हाई वोल्टेज के करीब है, ठीक है। अब यही वोल्टेज हमारे चार्जिंग जैक पे आ रहे थे, चार्जिंग जैक पे चेक करो इसे, ठीक है। अब वापस चार्जिंग आईसी पे चेक करके दिखाओ इसे, ये हमारे जो वोल्टेज है इसका मतलब है चार्जिंग आईसी हमारी बिल्कुल यही है, ठीक है ना, कंफर्म हो चुका है। हाँ कन्फर्म हो चुका है, चार्जिंग आईसी हमारी यही है। अब इसके जो बैटरी के प्लस पे वोल्टेज कम ज़्यादा जो हो रहे हैं, अप डाउन जो हो रहे हैं, देखिए इसमें 1.5 वोल्टेज का अंतर आ रहा है। अब यही वोल्टेज हमारे चार्जिंग आईसी पर ही आना चाहिए, कम ज़्यादा अप डाउन जो होगा लगाए रखना थोड़ा सा। देखिए इसका मतलब है कि हमारी चार्जिंग आईसी के अंदर फॉल्ट है, ठीक है। देखिए अब इसमें जो है, एक बार हमारे स्टूडेंट जो है आपको कूल टेस्टिंग करके बताते हैं, इसमें रेड प्रोब ग्राउंड करनी है और मीटर को डायोड बजर की रेंज पर लगाना है और देखना है कि बैटरी कनेक्टर पे हमारा कितना रीडिंग इस पे मिल रहा है। देखिए ये थोड़ा लाए रखना है आपको थोड़ी देर, देखिए रीडिंग हमारा इस पे फिक्स आ रहा है। अब चार्जिंग के उस पर देखना है प्लस पे बी बस पे, देखिए इस पर रीडिंग फिक्स आ रहा है, इसका मतलब है कि लाइन हमारी ओके है। जो हमारा फॉल्ट था वो चार्जिंग आईसी का ही है, ये जो आईसी है इसका फॉल्ट है। अब इस आईसी को यहाँ से हम रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद में देखते हैं कि किस तरीके से आपको इसको जो फिक्स करना है, ठीक है। देखिए अब इसकी आईसी निकालने के लिए आईसी के ऊपर हमें थोड़ा सा पेस्ट फ्लेक्स हमें जो है यहाँ पे इसके ऊपर लगाना है और लगाने के बाद में एसएमडी की सहायता से हमें जो है इसको यहाँ से निकालना है।
इसे निकालने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो कीपैड है इसके पीछे लगा हुआ है। यदि आपने पीछे से इस पर हिट लगाना शुरू किया तो हमारा इसके बॉल्स जो है प्लास्टिक जो है वो जल के ख़राब हो जाएगी। आपको यहाँ से जो है पूरा हटा देना है यहाँ से, ठीक है ना, रिमूव करना है पूरा। और इसे हटाने के बाद आपको पीसीबी स्टैंड में आपको मदरबोर्ड जो अपना इसमें लगाना है, ठीक है ना। और लगाने के बाद हमें जो एसएमडी की सहायता से आईसी को हटाना है, और हटाने के बाद में ये देखना है कि जो हमारे बैटरी के प्लस पर वोल्टेज आ रहे थे वो आने नहीं चाहिए आईसी को हटाने के बाद, ठीक है। देखिए अब एसएमडी की सहायता से हम इस आईसी को यहाँ से निकालेंगे, रिमूव करेंगे। आपको आईसी पर जो अब चिमटी के ट्वीजर की सहायता से बिल्कुल ताकत नहीं लगानी है जिससे कोई हमारा प्रिंट मिस हो, ठीक है ना। आईसी के ये जो शोल्डर जैसे ही पिघल जाएगा, गर्म हो जाएगा, रांगे में बदल जाएगा ये, और आईसी आपकी आसानी से हट जाएगी। इसका बैटरी कनेक्टर पर भी आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो बैटरी कनेक्टर है उस पर हीट नहीं लगना चाहिए जिससे कि हमारा बैटरी कनेक्टर जल नहीं जाए, ठीक है ना, प्लास्टिक का है इसलिए। यदि आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल प्रैक्टिकली चिप लेवल रिपेयरिंग सिखाई जाती है। यदि आप दूर से आते हैं तो आप हमें एक बार कॉल कर दें जिससे कि हम आपका जो है पीजी रूम को बुक करा दें, ठीक है ना। आने से एक दो दिन पहले कॉल कर दें। देखिए आईसी जो हमारी यहाँ से निकल चुकी है, आप देख सकते हैं हमारी चार्जिंग आईसी जो है ये वाली है, ठीक है ना। अब ये आईसी आपको सेम लगानी है। यदि आईसी आपके पास में नहीं है तो आपको यहाँ पर क्या करना है वो हम बताएंगे किस तरीके से करना है, ठीक है। अब आपको जो मदरबोर्ड को थोड़ा सा ठंडा होने देना है थोड़ी देर, और ठंडा होने के बाद में आपको वापस से इसमें चार्जर लगाने के बाद बैटरी कनेक्टर के प्लस पे वोल्टेज चेक करना है हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। अब मोबाइल का मदरबोर्ड जो है आपको इसको पीसीबी स्टैंड से हटाना है, अलग करना है बिल्कुल, और इसमें वापस बोर्ड ठंडा होने के बाद चार्जिंग जैक जो इसमें केबल लगाने के बाद हमें वोल्टेज चेक करना है कि हमारा कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है, ठीक है। देखिए बैटरी कनेक्टर पे हमारा वोल्टेज जो नहीं आ रहा, देखिए इस पर जो हमारा 1.5 वोल्टेज के करीब बैटरी के प्लस पे ये आ रहा है, ठीक है ना। अब इस पर हमें जो वोल्टेज चाहिए 3.8 से लेकर 4.23 तक वोल्टेज हमें बैटरी के प्लस पे हमें चाहिए। अब इसको बनाने के लिए आपको एक डायोड चाहिए, या आप CMIC इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी चार्जिंग आईसी जहाँ से हमने रिमूव की है, आप वहाँ देख सकते हैं उसके प्रिंट ऑफ है कि 5 वोल्टेज हमारा मिल रहा है जो कि चार्जर से सीधा आ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें आपको एक डायोड लेना है, डायोड किस तरीके से लगाना है वो हम आपको इसमें बताते हैं। चार्जिंग आईसी नहीं है आपके पास में जब, देखिए अब इसके बाद में आपको करना क्या है, आपको किसी भी पीसीबी के अंदर से मदरबोर्ड से कोई भी एक डायोड जो है निकालना है। देखिए इसमें डायोड दिखाते हैं हम, देखिए इस बैटरी के पीछे हैं चार्जिंग जैक के, और जहाँ चार्जिंग डिस्प्ले कनेक्ट कहीं भी डायोड है आपको छोटा सा इसमें से डायोड जो है निकाल लेना है आयरन से SMD से, और फिर वो किस तरीके से लगाना है वो हम आपको इसमें बताते हैं, ठीक है। इसको निकालो, देखिए ये जो है यहाँ से SMD की सहायता से एक डायोड निकालना है आपको मदरबोर्ड से कोई जो अभी हमने बताया था।
देखिए पीसीबी से जो हमने ये डायोड निकाल लिया, आप देख सकते हैं इसके बराबर में चार्जिंग आईसी भी पड़ी हुई है हमारी। देखिए इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, देखिए हाँ क्लियर हो चुका है, ये डायोड है। अब इस डायोड में एक तरफ प्लस रहता है एक तरफ माइनस। ये डायोड को आपको जहाँ से चार्जिंग आईसी निकाली थी वहाँ से आपको बैटरी की तरफ आउट कराएगा वोल्टेज और ये लगाना है। इसके बाद हम आपको अभी इसमें डायग्राम में भी बता देंगे किस तरीके से इसकी चार्जिंग जो हमने फिक्स की थी, ठीक है। इसमें अब हम जो है लगाते हैं डायोड को। देखिए एक जम्पर वायर जो आपको दोनों साइड से जो है देख सकते हैं आप वीडियो में कि सोल्ड करना है, जो इसके ऊपर लेयर रहती है ना तांबे वाली वो आपको रिमूव करनी है। और डायोड पे जो है दोनों साइड से जम्पर निकालने हैं हमें। ठीक है दो जम्पर निकालने हैं डायोड से दोनों साइड से। मैंने खाली अभी ये चीज सीखी है ना। देखिए इसमें जो है डायोड जो है एक साइड से जम्पर उचका भी, इसमें दूसरा जम्पर आपको लगाना चाहिए डायोड, देख सकते हैं इसमें। और डायोड के जम्पर करने के बाद में इसमें एक काम करना है, वो हमें आपको बताएंगे किस तरीके से चेक करना है कि डायोड हमारा इसमें प्लस किधर है माइनस किधर है, किधर को कैसे लगाना है और किधर वोल्टेज हमारा ये आउट करेगा, ठीक है ना। बहुत छोटा है इसमें दिखेगा नहीं। देखिए डायोड के दो जो दोनों साइड से हमने जम्पर इसमें निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, एक कटा हुआ केबल लेना, चार्जिंग केबल जो हमारे पास है आप देख सकते हैं, इसको एडेप्टर में लगाना है। और लगाने के बाद जो हमारा डायोड है, डायोड का एक सिरा आपको इसके प्लस पे केबल पे सोल्ड करना है। और सोल्ड करने के बाद देखते हैं कि हमारा इसमें प्लस माइनस किधर है, क्योंकि बहुत छोटा डायोड है। ये सोल्ड कर दिया है। अब मल्टीमीटर में जो हमें इसके वोल्टेज चेक करने हैं कि डायोड जो हमारा कितने वोल्टेज आउट करा रहा है। यदि डायोड ठीक होगा तो वोल्टेज हमारे एक साइड से आउट कराएगा। देखिए इसका मतलब है कि हमारा जो प्लस वाला सिरा है वो सही लगा है, जो प्लस पे वोल्टेज हमारा आ रहा है और आउट डायोड करा रहा है 3.2, तो इसका मतलब डायोड हमारा ओके है। इसी तरीके से आपको पीसीबी में जम्पर करना है डायोड को, ठीक है। अब इसे पीसीबी में हम सोल्ड करते हैं। अब पीसीबी में सोल्ड करने से पहले आपको जो एक बार चेक करना है कि हमारा जो है 5 वोल्टेज जो हमारे आ रहे थे वो किस पिन पे हमारे 5 वोल्टेज जो है मिल रहे हैं, ठीक है ना। मीटर में चेक करना है जिस पिन पर 5 वोल्टेज आ रहे हैं। चार्जिंग आईसी जहां से निकाली थी उस पर नीचे से दूसरे नंबर पर 5 वोल्टेज हमारा, देखिए ये हमारा आ रहा है। आपको डायोड का प्लस वाला पॉइंट इस पर जम्पर करना है। चलो इस पर जम्पर करो इसे। देखिए अब डायोड को जो है सोल्ड करना है जहां हमारे 5 वोल्टेज आ रहे थे उस पे, ठीक है। डायोड जो हमारा जम्पर हो चुका है, जम्पर करने के बाद में एक बार आपको फिर डायोड को जो है चेक करना है कि वोल्टेज हमारे आउट करा रहा है या नहीं करा रहा है, ठीक है ना। वापस एक पिन ग्राउंड करनी है कहीं भी। देखिए डायोड जो हमारा सही वोल्टेज जो है बिल्कुल दे रहा है। देखिए दोस्तों ये जो हमने पहले इसमें डायोड लगाया था वो हमने हटा दिया क्योंकि बहुत छोटा था, इसमें सोल्ड नहीं हो रहा था, ठीक है ना। उसकी जगह आप और कोई डायोड ले सकते हैं, जैसे हमने इसमें जीना डायोड जो ले लिया है।
आप देख सकते हैं जो जम्पर जो हमने किया है कहाँ से कहाँ पे जो किस तरीके से किया है, ठीक है ना। और इसमें देखिए डायोड पे जो हमारे 5 वोल्टेज जो आ रहे थे वो आ रहे हैं, और बैटरी के प्लस पे जो देखिए चेक करना है कि हमारे कितने वोल्टेज हमारे इसमें मिल रहे हैं। देखिए बैटरी के प्लस पे जो है 4.2 बिल्कुल फिक्स वोल्टेज आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी चार्जिंग की जो परेशानी थी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुकी है। आप इस तरीके से जो है जियो के मोबाइल की चार्जिंग को बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बैटरी लगा के देखते हैं कि हमारी जो बैटरी चल रही है या इसमें बैटरी के प्लस पर वोल्टेज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बैटरी तो हमारी भरनी ही चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें हम बैटरी लगा के देखते हैं, देखिए इसमें जो चार्जर लगा दिया है आप देख सकते हैं कि हमने एक डायोड के साथ में जो है इस तरीके से इसकी चार्जिंग जो है ठीक हो चुकी है। यदि आपके पास में कोई जियो का फ़ोन आता है तो आप इस तरीके से इसकी चार्जिंग जो है ठीक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा वीडियो यहीं तक था कि जियो की चार्जिंग किस तरीके से आपको बनानी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।